आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको केपी सक्सेना की लिखी झलकी लालटेन की वापसी। या मेरे खुदा, अरे जयपुर भी अब सिंगापुर हो गया। अजाने कब से खड़ा हूँ, निगोरी सड़क पार करना मुहाल है। एक मरीज चिट्ठी उधर लेटर बॉक्स में डालनी है और मैं यहाँ खड़े खड़े बुढ़ा हो गया। अरे अरे भैया, अरे भैया संभाल के, अरे अरे मर गया। और जिस्म की हर हड्डी अपनी जगह छोड़ गई। कलेजा और किडनी आपस में आ मिले हैं, फेफड़े लापता है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे ओ भाई, सांसें महंगाई जैसी चल रही है, दिल की धड़कन ईमान जैसी डूबती जा रही है। ओफ, सारा बदन बासी लोना हो गया। अरे ये किसने अपना ट्रक हमारे ऊपर चढ़ा दिया? अरे बड़े मियाँ, ट्रक नहीं, ये मेरी साइकिल है, साइकिल। बचाते बचाते भिड़ गई। माफी चाहता हूँ, 8 साल से चला रहा हूँ मगर आज तक नहीं भिड़ी। अबे ओए, अंधा है क्या? अरे हम भी 7 साल से पैदल चल रहे हैं, आज तक नहीं भिड़े। हाय लोगों, अरे सहारा देकर उठाओ भैया। जनाजा ही बचा है। अरे अरे, इसे तो पुलिस में देना चाहिए, बड़े मियाँ को कैसा तोड़फोड़ डाला है। ठहरो ठहरो भैया ठहरो, ये मरा नाश पीटा तो हमें बकैयन लगता है। क्या क्या बकैयन? कौन बकैयन? अरे मैं तो ब्रजेश चंद्र हूँ। हाँ हाँ, अरे नाम बदल लो या चोला, पर हो बकैयन। अरे हमारा चश्मा कहीं लुढ़क गया तो क्या, हम बकैयन को नहीं पहचानते? ए लोगो, ये हमारे मोहल्ले का बकर इलाही उस बकैयन है। बकैयन? अरे साल भर पहले ये मजदूर फिल्म के चक्कर में बम्बई भाग गया था। आज हाथ लगा है। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? क्यों बे, बकैयन है तू? अरे लानत है इस पर, बाप इसका सड़क पर भीख मांगते मांगते चल बसा और ये मैयत पर भी नहीं आया। बहुत बुरी बात है। क्या बक रहे हैं आप? क्या बक रहे हैं? मेरे पापा PWD में हेड क्लर्क हैं। PWD में? अरे हमसे मत उड़ो बेटा, हमसे मत उड़ो। और माँ इसकी फांसी लगाकर पार हो गई और ये जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, चिरकूट कहीं का। माय गॉड, मेरी मम्मी को भी मार डाला। अरे मैं तकैयन नहीं हूँ। अबे तकैयन नहीं, बकैयन, बकैयन, बकैयन। अरे लोगों, इसका छोटा भाई 6 महीने से लापता है। 6 महीने से? हाँ, न जाने कहाँ कूड़े से पॉलीथीन बीन रहा होगा बेचारा। हद हो गई, मेरा पूरा खानदान निपटा डाला इस बुड्ढे ने। चश्मा क्या गुम हुआ? अच्छा भला आदमी चुकैयन हो गया। दिस इज टू मच, I can't stand it anymore. देखा देखा, अंग्रेजी में हल्का रहा है। अरे हम भी अंग्रेजी पढ़े हैं बकैयन, तेरे अब्बा को अंग्रेजी में भीख मांगना हम ही ने सिखाया था। फिर वही नॉनसेंस, मैं बकैयन नहीं हूँ। ज्यादा बको मत, तुम बकैयन हो या नेपोलियन, चलो जाकर अपने खर्च पर बड़े मियाँ का चश्मा बनवाओ वरना पुलिस में दे देंगे। हे भगवान, कहाँ फंस गया, कॉलेज की फीस के कुल 35 रुपए जेब में है। खैर देखते हैं। उठो बुड्ढन, दैट्स गुड, संभाल कर ले जाइयो, बुजुर्ग आदमी है बेचारे। आइए आइए मियाँ, संभल के, आगे मेन होल है, कहीं घुस गए तो अरेबियन सी में ही बॉडी मिलेगी। जाने किस मनहूस की सूरत देखकर चला था सुबह। अरे बकैयन, अब बहुत कमजोरी लग रही है बेटा, अब कहीं शरबते अनार या शरबते बादाम वगैरह पिलवा। पटापट पहाड़ में गया बकैयन, यहाँ कहीं गन्ने के रस का ठेला भी नहीं है, कहीं किसी चश्मे वाले की दुकान भी नजर नहीं आती। अरे तो मुझे टांगे या टैक्सी में किसी बड़े नर्सिंग होम में ले चल। स्विट्जरलैंड न ले चलूं, फूस की टट्टी, गुजराती ताला। हाँ, वो ऑप्टिशियन का बोर्ड लगा हुआ है, आओ बड़े मियाँ। अबे 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 घसीट क्यों रहा, अबे अबे घसीट क्यों रहा, अबे धीरे, अबे छोड़, अबे ओफ बेटा, अब बूढ़ा हो गया हूँ, संभाल कर ले चल, हैंडल विद केयर। अंग्रेजी मत छोको, जल्दी बढ़ो, कॉलेज के 2 पीरियड पहले ही मिस हो गए हैं। अरे देख के मियाँ, ठहरो, बोर्ड देखने दो,
डॉक्टर WW ब्लैकआउट। हाँ, WWW ब्लैकआउट। ऑप्टिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट। बाप रे, खुद का नाम ब्लैकआउट और है आई स्पेशलिस्ट। बुलाता हूँ डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब। यस, क्या मांगता है? मांगता? अरे बेक मांगा है का? आटा ही दे दीजिए। डोंट माइंड हिम प्लीज। आप ही डॉक्टर ब्लैकआउट हैं? और क्या, तुम्हें हम पोस्ट ऑफिस नजर आते हैं। सॉरी डॉक्टर, इन वुडन का चश्मा बनवाना है। तो इस काम के वास्ते 6 लोग क्यों आया है? अच्छा, हम तो दो ही हैं। वेट वेट, आई सी 3 times विदाउट ग्लासेस। तर्जुमा, बिना चश्मे मुझे हर चीज 3 गुनी नजर आती है। मेरा चश्मा कहाँ है? नाउ ओके, आप तो हैं। और डॉक्टर, आपने गले में 3-3 चश्मे क्यों लटका रखे हैं? लिसन, एक चश्मा दूर का चीज नजदीक देखने के वास्ते, दूसरा नजदीक का चीज दूर देखने के वास्ते, और तीसरा चश्मा इन दोनों चश्मों को ढूंढने के वास्ते। नाउ फॉलोड। तर्जुमा, अब तुम समझे? अंदर आओ, आओ, आइए। कीप द ओल्ड मैन ऑन दैट स्टूल। तर्जुमा, बुढ़े को उस स्टूल पर रख दो, आंख का जांच होगा। अरे चाचा, स्टूल पर बैठ जाओ। पार्टी में क्यों बैठे जा रहे हो? अरे अरे, स्टूल का ढक्कन कहाँ है? ढक्कन? अरे ये पार्टी है चचा, स्टूल इधर है। हाँ, इधर संभल के बैठ जाओ। ओल्ड मैन, इंग्लिश पढ़े हो? इंग्लिश? अरे आई कैन टीच इंग्लिश टू योर मदर्स हस्बैंड। तर्जुमा, हम तुम्हारे अब्बू को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, समझा? ओके ओके ओके, वो अंग्रेजी की तख्ती पढ़ो। कौन सी तख्ती? अरे वही जो सामने दीवार पर टंगी है। कौन सी दीवार? ओ माय गॉड, अरे इस कमरे की दीवार। अरे कौन सा कमरा यार? हेल विद यू, कमरा भी दिखाई नहीं पड़ता। यंग मैन, के सीरियस, मैं समझता था शॉर्ट सर्किट है, मगर लगता है पूरा ट्रांसफार्मर जल गया है। जंक्शन बॉक्स खोलना पड़ेगा, फेज चेंज होगा। शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर, जंक्शन बॉक्स, फेज। अरे आप चश्मा टेस्ट कर रहे हैं या बिजली की मरम्मत? यू आर राइट, हम पहले बिजली का लाइनमैन था, धंधा नहीं जमा, ऑप्टिशियन का काम पकड़ लिया। डोंट वरी यंग मैन, मुझे आखिरी कोशिश करने दो। सिस्टर, कमिंग माय डार्लिंग डियर लव। आपने सिस्टर बुलाया? वो डार्लिंग डियर लव? दरअसल वो हमारा वाइफ भी है और नर्स भी। डॉक्टरी प्रोफेशन के हिसाब से उसे ऑन ड्यूटी सिस्टर ही बोलना पड़ता है ना। बोलो हानी, हमारे को काय के वास्ते याद किया? सिस्टर, अंदर किचन से आटा गूंथने वाला सबसे बड़ा परात लाओ। काय को? इन दोनों बैगर्स को इधर ही खाना खिलाना मांगता क्या? ओह नो, आई टेस्ट। तर्जुमा, आंख का जांच। सॉरी सिस्टर, पर आ तो इधर ही है। आई यू गो। ओके माय डार्लिंग। हाँ जी, बोलो ओल्ड मैन, ये गोल गोल चीज क्या है? भाई बड़े डॉक्टर, हमसे लगी मत करो, ये तो चवन्नी है। चवन्नी? व्हाट? परात को चवन्नी बोलता है? ओह नो, माय हार्ट सिंक हो जाएगा। मैं ये लस्सी पीता हूँ ताकत के वास्ते। ओह नो डॉक्टर, लस्सी की जरूरत मुझे है, मैं पीता हूँ। गिलास इधर लाओ। ये लस्सी नहीं, साबुन का पानी है, लेंस धोने के वास्ते। ओह सॉरी डॉक्टर, मैं समझा लस्सी है। अब भी चैन आया, ये लस्सी ही था बट फॉर प्राइवेट यूज, पब्लिक के लिए नहीं। नाउ यंग मैन, बुढ़े का केस होपलेस है, पहले दोनों आंख के गोले निकालकर प्लेट में रखने होंगे। क्या? और फिर अंदर का लाइन चेक करना होगा कि कहां कहां अर्थिंग नहीं है, किधर किधर केबल डैमेज है, समझे? बाप रे, बुढ़ा मर गया तो मुझे फांसी चढ़ना पड़ेगा। अरे चश्मा पड़ने में देर है का बेटा? अरे बैठे रहो, अभी लाइन चेक होगी। अरे मुझे यहाँ से ले चल मकैयन, मुझे यहाँ से ले चल। ये कमक लाइन चेक करते करते पावर हाउस ही फूंक डालेगा, यहाँ से ले चल बेटा। अरे बैठे रहो अड्डे पर। डियर डॉक्टर, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि लाइन खोले बगैर ही रोशनी आ जाए? केबल में बेंतिया कचरा फंसा है। वेट वेट डॉक्टर, उम्मीद नजर आती है, वो देखो वो पुराना चश्मा, बुढ़ी को ट्राई करो। अरे वो जो कोने में पड़ा है लगा कर देखो। मगर तुम कैसे कह सकते हो कि वो पुराना चश्मा बुढ़े को लग जाएगा? सिंपल अलजेब्रा, चश्मा पुराना, बुढ़ा पुराना, पुराना पुराना कट, चश्मा बुढ़ा, बुढ़े को चश्मा लग गया। ओके ओके, लो ये चश्मा पहनो। अरे थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखो, लगाओ लगाओ। हाय अल्लाह, या अल्लाह, मुझे शाम नजर आ रहा है, शाम नजर आ रहा है। डॉक्टर, कमरा, दीवार, टक्सी लिखा है ETDDLSHSO22WQHH। देखो देखो देखो। अरे बाप रे,
ये तो सबसे महीन आखिरी लाइन तक सही पड़ गया मेरे कल। अरे डॉक्टर, अब मुझे जन्नत तक साफ नजर आ रही है। देखो देखो, अब मेरे अब्बा हुजूर हुक्का पी रहे हैं, अम्मी दाल बीन रही है, अब फूफा कनकैया लड़ा रहे हैं। मगर ये नौजवान कौन है? ये मेरा बकैयन काम आ गया जी। मैं ही मेरा बकैयन हूँ जिसके बाप भीख मांगते थे, माँ ने फांसी लगा ली, छोटा भाई कूड़ेदान से पॉलिथीन बीन रहा है और कुछ। बेटा माफ करना, अब बिना आग के लालटेन के यही होता है बुढ़ापे में बेटा। मगर डॉक्टर, ये चश्मा है किसका, कहाँ से आया? वेट वेट, हमारा नर्स इधर लाकर फेंका। सिस्टर। यस माय बटर टोस्ट, अभी हम तुमको बताता, हम जब शॉपिंग से लौटता था रोड में भारी भीड़, ओ माय गॉड, क्या देखा, एक ओल्ड मैन साइकिल से टकरा कर गिर गया। बस इधर ही हमारे को ये फटीचर चश्मा मिल गया, हम लाकर इधर कोना में डाल दिया, सोचा किसी के काम आएगा, हमारे को दाम मिल जाएंगे। ओह, तो ये बड़े मियाँ का ही खोया हुआ चश्मा है, भगवान का शुक्र है कि मिल गया। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, अब भाई खुदा हाफिज, और डॉक्टर बाय बाय। हाय लेडी, सी यू, बाय 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 बाय। अरे बुढ़ापे में मेरे को गाय को मस्का मारता है ओल्ड चिंपैंजी। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, शायद कॉलेज का लास्ट पीरियड मिल जाए। अहीं, ठहरो ठहरो, तुम किधर को जाता है? माई फीस 35 रुपीज ओनली। फीस का है कि जिसका चश्मा था उसे मिल गया। कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन फीस जल्दी निकालो, वरना आई कीप टू हैंड्स। तर्जुमा, मैं दो हाथ रखता हूँ, गर्दन टेस्ट कर डालूंगा। अंदर घर में मेरा साला फैंटम भी है, 3 बार बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज ले चुका है। फैंटम। आ रहा हूँ, दस्तारे पहन लूं जरा। नहीं 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 नहीं, फैंटम जी को क्यों कष्ट देते हैं, ये लीजिए 35 रुपए, मेरी फीस का तो सत्यानाश होना ही है। क्या बोला सर, तुम्हारा फीस का रुपया है? हाँ सिस्टर, आज ही जमा करानी है। Oh, keep the money with you child and get going। तर्जुमा, बच्चे पैसा अपने पास रखो और जाओ, फूट जाओ। ये थी झलकी लालटेन की वापसी। इसे लिखा केपी सक्सेना ने, निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।